निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला की स्थिति बिगड़ने के बाद उसे छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। मृत महिला सारण जिले के कोपा थाना क्षेत्र निवासी बेबी देवी बताई गई है। इस घटना के संबंध में मृतका के ससुर ने बताया कि प्रसव पीड़ा के दौरान उन लोगों के द्वारा ईसुआपुर थाना अंतर्गत प्रिया इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन लोगों के द्वारा खून की कमी की बात बताई गई थी। उस दौरान उन लोगों के द्वारा खून चढ़ाने के लिए 5,000 रुपये का डिमांड किया गया, जिसकी उन लोगों के द्वारा पूर्ति कर दी गई। लेकिन ऑपरेशन के टेबल पर स्थिति बिगड़ने के बाद उन लोगों ने उनकी पतोहू को छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां लाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस दौरान परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि 24 घंटे रखने के बाद रेफर कर दिया गया, अगर पहले उस नर्सिंग होम से रेफर किया जाता तो उस महिला की जान बच सकती थी। इस घटना के बाद जहां परिवार वालों में रोना पीटना लग गया, वहीं उनमें काफ़ी आक्रोश भी देखा गया। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। किसकी मौत हुई है? पतो का, क्या नाम है उसका? घर कहाँ है? घर तो हमारा चंदा टोला है। थाना? थाना कोपा। कोपा पड़ेगा। आपकी पतो थी? हाँ। कैसे मौत हो गई है? ईसुआपुर प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराए थे? ओ, कौन नर्सिंग होम का नाम है? प्रिया नाम। तो डिलीवरी था तो क्या बोला था वहाँ पे? डिलीवरी था तो खून का कमी था तो खून में देने वाला था। हाँ। पैसा मांग रहे थे। हाँ। पैसा कितना दिए खून का? पैसा वो बोलता था कि 5,000 रुपया लगेगा। हाँ। बोला कि जमा कर देते हैं। उसके बाद ऑपरेशन के किया, ऑपरेशन से होगा तो ऑपरेशन के शुरू किया, तो उसके बाद ब्लड आने लगा तो बोला कि ले जाओ। कहाँ रेफर कर दिया? छपरा सदर अस्पताल। सदर अस्पताल। तो यहाँ लाए तो क्या हुआ? बोला कि यहाँ कर दिए, डेथ कर दिए। वहीं पे डेथ कर चुकी थी ना? नहीं, यहाँ आकर, इसके बाद यहाँ आकर के अभी ठीक डेथ की है ना? अंदर ले गया। आपका नाम? राजेश यादव। घर? घर चंदा टोला ईसुआपुर।